आखिर दम तोड़ ही दिया ना तेरी क्रांति ने, तो भी लहूलुहान तेरी क्रांति भी लहूलुहान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तेरी ही आंखों के सामने तेरे लाल को उस राक्षस ने मारा और तू खामोश नहीं? कैसी माँ है तू? तेरा कलेजा नहीं फटा? ठीक है, अगर यही तेरा फैसला है तो न्याय भी तुझे ही करना होगा। ये जन तुझ पे कर्जा है माँ, ये जन तुझ पे कर्जा है। क्या समझता है अभय को मारकर तू मुझे हासिल कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। मैं अभय की थी, उसकी हूं और जन्म जन्म उसी की रहूंगी, समझा? सुना तूने? उसने पुकारा है मुझे, वो आ रहा है। इस युग के माथे पर तेरा विनाश लिखने आ रहा है वो। जाहिर सी बात है, तुम वो नहीं हो सकते। जिंदगी भी अजीब इत्तेफाक दिखाती है। ये इत्तेफाक नहीं है डॉक्टर साहब, सच है। नहीं, तुम अभी नहीं हो सकते। वो तो शहीद हो गया था, मारा गया था डॉक्टर साहब, मुझे धोखे से मार दिया गया। मगर मरकर कोई वापस कैसे आ सकता है? कैसे तो वो जानता है, मगर क्यों उसका पता मुझे चल चुका है। मंत्री जी ने कुर्सी। साथियों, एक बार फिर आम चुनाव हमारे सामने है। पिछले कई वर्षों से हमारी सबसे पहली कोशिश रही है कि हम निर्बलों को शक्ति दें, प्यासों को झरने और नदियां दें, और भूखों को लहलहाते हुए खेत दें। आज शहीद अभय सिंह जी की पुण्यतिथि है, तो आइए आज के दिन हम सब शपथ लेते हैं कि हम जीवन भर
शहीद अभय सिंह जी के दिखाए हुए रास्तों पर चल पड़ी चिन्हों पर चले मंत्री जी की कुर्सी शहीद अभय सिंह शहीद अभय सिंह शहीद अभय सिंह क्या अभय सिंह अमर रहे भैया वो तो शहीद हो गया मंत्री जी तो जिंदा है ना अमर रहे बात करते रहोगे इनकी बात भी करोगे मंत्री जी जिंदाबाद डॉक्टर ये सिर्फ अभय और नंदिनी की प्रेम कहानी नहीं है ये जन्म कुछ और कर्जों को उतारने का भी है अंजलि कहाँ है जी वो मैं मैंने पूछा अंजलि कहाँ है नमस्ते क्या बोला कि राजवी जी मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा है तुमने I want to go back, okay? ये आप हमें हमारा सामान दे दीजिए and we shall let you go. What सामान? I don't know what the hell he's talking about. क्या बक रही है हमारे 5 करोड़ का सामान होटल से गाड़ी में लेके आए कि नहीं? सामान ओ जीसस ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो मैं इंडिया पहली बार आई और किसी ने मेरा किडनैप किया आप लोगों ने मेरी जान बचाई और अब आप कह रहे हैं कि शिट पागल हो गया कितनी उम्मीदें कितने सपने लेकर आई थी मैं यहाँ मैंने सुना था कि हिंदुस्तानी लोग बड़े अच्छे होते हैं वेरी काइंड हार्टेड पर आप आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री ओके आप सच कह रही हैं नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ मैं पागल हूँ ना ब्लडी हेल लुक आई वांट टू गो होम और आई विल डाई जस्ट कॉल माय पेरेंट्स समबडी व्हाई इज नोबडी बिलीविंग मी हे रिलैक्स डोंट शाउट आई बिलीव यू लगता है हमारे आदमी से कुछ गलती हो गई है मैं माफी चाहूंगा इन्हें मालूम नहीं मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए हाँ. राजवीर क्या कह रहा तू क्या कह रहा है अंकल प्लीज हर बात का एक तरीका होता है हाँ. एक सलीका होता है एक खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये मैं आपको कैसे समझाऊं ये हमारी मेहमान है ये क्यों है अंकल क्यों है रिलैक्स गो गो हिगार कर गो आए हिगार हो बाय द वे आई एम राजवीर सिंघाल I'm Anjali. Anjali Thapar. Thank God. I feel now I'm secure. Please make yourself comfortable. Thank you. Who is this man? My father, Tejeshwar Singhal. Stunning personality. Thank you. Main mil sakti hu unse? Soon. Very soon. Aapki ye khwahish bhi hum jaldi puri kar denge.